हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ईपीएफ साइड में आपको केवाईसी कैसे करना है। तो पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि सिंगल इवेंट का कैसे आपको केवाईसी करना है। जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने 2 बार मुझे रिक्वेस्ट दिया कि आप केवाईसी कैसे करना है बताओ, तो मैं पहले आपको सिंगल बताऊंगा, उसके बाद में बल्क में कैसे है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले एक काम कीजिए, आप यूनिफाइड पोर्टल जो है उस पर आप लॉग इन कर लीजिए। और उससे पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, जो बल्क में कैसे केवाईसी करते हैं, तो उसके जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, और आपका जो वहाँ पे बेल बटन होगा तो उसको भी आप एक्टिवेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको आसानी होगी मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो चलते हैं, कैसे मैं लॉग इन कर लिया हूँ मैंने, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कैसे लॉग इन करते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा लॉग इन पेज पे आ गया। लॉग इन होने के बाद में तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे सिंगल पे करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेंबर पे जाना है और आपको यहाँ पे प्रोफाइल दिखेगा, आप उसको प्रोफाइल में क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लोग प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको यूएन नंबर पूछेगा, तो आप यहाँ पे अपना यूएन नंबर जो भी है आप यूएन नंबर प्लेस कर लीजिए। फिर आपको सर्च पे क्लिक करना है, तो मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो सर्च मारने के बाद में ये मेरा पेज आ गया, यहाँ पे सारा डिटेल्स आ गया और यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोफाइल है, केवाईसी है, मार्ग एग्जिट है। तो यहाँ जो केवाईसी है आप उसके ऊपर में क्लिक कीजिए। आप जैसे ही केवाईसी पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे डिटेल्स मांगेगा, मुझे जो भी डिटेल्स देना है मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। फिर आपको यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे डिटेल भर लेता हूँ, फिर सेव क्लिक करता हूँ। उसके बाद में क्या करना है मैं दिखाता हूँ, तो तब तक आप ही भर लीजिए। मैं सिक्योरिटी रीजन के लिए इसको हाइड कर रहा हूँ, ये पेज को स्किप कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे में डिटेल आ गया है उनका, तो अभी इसको अप्रूव करना है। तो अप्रूव करने के लिए मुझे यहाँ पे मेंबर पे जाना है, अप्रूवल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्रूवल पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैसे आ जाएगा और आप वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं आपका सही कि गलत है। उसके बाद में आपको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद में ये आपका पॉपअप आया यहाँ पे, यहाँ पे आपका डिजिटली साइन पीडीएफ को डिजिटली साइन करना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको डीसी जो है डीसी टोकन, तो आपको वो आपके कंप्यूटर में कनेक्ट करवाना है, तो ये टाइम वो थोड़ा टाइम लेगा, तो मुझे ये अभी अप्रूव नहीं करना है, तो मैं ये अप्रूव नहीं करूँगा। तो आप अपने हिसाब से आप डीसी लगा के आप अप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे ही अप्रूव करेंगे ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा। और इसको शेयर कीजिए, ताकि जितने भी दूसरे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है ये आपको केवाईसी करने में, तो उन्हें भी थोड़ा मदद मिल सकेगा। और आगे जाके जो मैं बल्क में कैसे केवाईसी करते हैं वो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। थैंक यू।